गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। माया के पार कौन जाता है, इस प्रश्न को नारद जी ने उठाया और उसमें उन्होंने दो चार बातें महत्व की बताई। पहली बात तो ये बताई कि जिसके जीवन में संग और ममता ये दो बातें निकल जाती है और जो साधु संतों की संगति में रहता है उसके पश्चात विविक्त स्थानं सेवते, जो अपने आप को अकेले में रखते हुए भी अकेलापन महसूस नहीं करता, जो लोकबंधन उन्मूलयति, इस सामाजिक नियमों के चक्कर में पड़कर के मनुष्य कई बार अपने आप को धोखा देता है, निस्त्रैगुण्यो भवति, जो सत्व रजस तमस इनके परे तत्व को जानने के लिए सबका त्याग करने को तैयार है, और योगक्षेमं त्यजति, जिसका परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है, ऐसा जो साधक है उसके जीवन में अंतिम स्थिति में अविच्छिन्नम अनुरागम लभते, उसके जीवन में अखंड प्रेम की ज्योति जागृत हो जाती है। यहां तक हमने देखा। अब ऐसा जो है वही इस माया के पार चले जाता है। अब ये जो अविच्छिन्न प्रेम की ज्योति का जागृत होना, इसके बारे में विस्तार से आगे बढ़ाते हैं। हमने आपको बताया था सूत्र की प्रक्रिया क्या है, कि कोई एक नया शब्द का वहां इंट्रोडक्शन करने के पश्चात उस शब्द की फिर विस्तार से व्याख्या करना, तब जाकर के हम एक एक शब्द को धीरे धीरे सूक्ष्मता से समझते हैं। तो अविच्छिन्न जो प्रेम है वो मिलता है, तो वो अविच्छिन्न प्रेम मिलता है का मतलब क्या है, अब इसको बताने के लिए अब 91वें श्लोक में इस प्रेम का जो अखंड रूप है उसके बारे में बताने का उन्होंने निर्णय ले लिया। लेकिन जब उन्होंने इस अखंड प्रेम को बताने का निर्णय ले लिया तो उनको अपनी गलती समझ में आई कि प्रेम के बारे में क्या बतावे। यहां स्वामी जी के टीका में बड़ी सुंदर बात है, देखो ज्ञान का काम अविद्या के आवरण को भंग कर देना है, जहां तोड़ना है वहां प्रयास पूर्ण होता है, अविद्या की पूर्ण निवृत्ति करके ज्ञान के द्वारा की जाती है, लेकिन जहां ईश्वर को अपने हृदय में बुलाना है वहां तोड़ने फोड़ने की तो बात है ही नहीं। आगे बता दे है, यह ज्ञान आवरण को भंग करता है माने अविद्या को नष्ट करता है। तो ज्ञान तो विध्वंसात्मक है, क्रिएटिव नहीं है। देखो ज्ञान के द्वारा कोई चीज निर्माण नहीं होती, और यह जो ब्रह्म की प्राप्ति बताते हैं ज्ञान के द्वारा वो गलत है। ब्रह्म तो प्राप्त है ही, ब्रह्म की प्राप्ति थोड़ी होती है। फिर ये ज्ञान ज्ञान की इतनी लंबी चौड़ी बातें काहे के लिए, उसके द्वारा केवल अविद्या की निवृत्ति उसी के लिए है, और इसीलिए यह जो ज्ञान है यह हमको परमात्मा से नहीं मिला सकता। तो फिर क्या कहते हैं, भक्ति की सुंदरता क्या है, परमात्मा अनंत है,
उस अनंत परमात्मा को मन के माध्यम से उस अपने हृदय में उतार लेना यह संभव नहीं है, क्योंकि अनंत को शांत के द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता। लेकिन प्रयत्न वही है और उसमें सफलता नहीं होती। इस सफलता के अभाव का जो आनंद है उसको प्रेम कहते हैं। वो कैसी मजे की बात। इसीलिए प्रेम में तृप्ति नहीं होती। जिसमें तृप्ति होती है कि हाँ नाउ इनफ, जैसे खाने में के बाद तृप्ति होती कि अब नहीं चाहिए, पेट भर गया, इसी प्रकार से जिस प्रेम में तृप्ति होती है वो प्रेम नहीं है। तो जो अपने हृदय में उस परमात्मा के प्राप्ति की लालसा है वो दिन ब दिन जो बढ़ाता है वो प्रेम है। और इसीलिए इस प्रेम के बारे में समझाना बोलना बड़ा कठिन है। तो हमारे परिच्छिन्न अंतकरण में परमात्मा को ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं, लेकिन इस परिच्छिन्न अंतकरण का परमात्मा में लगे रहना यही प्रेम है। और जब यह मन अंतकरण परमात्मा में लगा रहता है तो दुनिया के विषय हमारे मन को आकर्षित नहीं कर सकते। और इसीलिए इस प्रेम की बात बताते हैं कि मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की, जितना जितना इस प्रेम को पूर्ण करने का प्रयत्न किया उतना समझ में आया अरे इसमें तो अधूरापन है। जो प्रेम पूर्णत्व प्रदान करता है वह परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, और जो प्रेम अपने को अपूर्णता में रख करके उसी में लगा रहता है वह पूर्ण प्रेम है। और इसलिए यह प्रेम कैसे बतावे इसके बारे में, लेकिन बताना तो है अविच्छिन्नम अनुरागम लभते, अखंड प्रेम की प्राप्ति होती है। अब यह अखंड प्रेम क्या है ये अब 51वें सूत्र में बताते हैं। अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम्, यह प्रेम का जो स्वरूप है ये अनिर्वचनीय है। हमने जो प्रेम की भक्ति की सबसे पहले परिभाषा देखी उसमें क्या आया था, सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, अमृत माने अनंत। तो यहां अनंत प्रेम है और अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय माने इसके बारे में बोलना कठिन है। अब ये अनिर्वचनीयत्व जिसके बारे में बोलना कठिन है ये शास्त्रीय शब्द है। अनेक कारणों से अनिर्वचनीयत्व आता है। जैसे पहली बात बताते हैं कि यह जो जगत है ये जगत क्या है, तो जगत की परिभाषा आती है सत्वा सत्वाभ्याम अनिर्वचनीयम, माने ये जगत है क्या, इसका यदि अनुसंधान करो तो जगत की स्थिति नहीं रहती। कैसे, आंखों के द्वारा रूप रंग का दर्शन होता है। हां जी, यदि रूप रंग ना हो अंधेरे में तो आंख से कुछ दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो आंखों के कारण रूप रंग की सिद्धि है कि रूप रंग के कारण आंखों की सिद्धि है, किसके कारण कौन है? तो जो एक दूसरे पर अवलंबित है उनका तो स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं, और संपूर्ण जगत ऐसा ही है, और इसीलिए इस जगत का अस्तित्व नहीं है।
जगत का अस्तित्व नहीं है, दुखी कहां हो रहे हो महात्मा जी जगत में, तो जगत है, हाँ जगत है। अरे कभी कभी तो आप कहते हैं कि जगत है ही नहीं, कभी कभी कहते जगत है, इसी को कहते हैं जगत अनिर्वचनीय है। ना कहो तो उसी जगत के कारण परेशान हो रहे हैं, हां कहो तो उसकी उपलब्धि नहीं है। देखो ये जो जगत सुषुप्ति अवस्था में जब हम गहरी नींद सोते हैं तब ये संपूर्ण जगत कहां चला जाता है। यदि वो उपलब्ध होता सुषुप्ति अवस्था में भी तब तो वो है, लेकिन नहीं होता। इसीलिए जो जगत है अनिर्वचनीय है, पहली बात। अब दूसरी बात आती है, यह जो ब्रह्म है, ब्रह्म क्या है, वह भी अनिर्वचनीय है, क्योंकि अवांग मन गोचरत्वेन। क्योंकि ब्रह्म के बारे में जब शास्त्र कहते हैं तो कौन सी भाषा प्रयोग करते हैं, नेति नेति इति वाक्यतः, कि अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम, जिसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं है वो ब्रह्म है। माने जहां इंद्रियों की गति नहीं है, जो अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता, मन के द्वारा जो फील किया नहीं जाता, बुद्धि के द्वारा जो समझ भी नहीं आता, और इसीलिए ब्रह्म को अनिर्वचनीय कहा है। तो दो अनिर्वचनीय हो गए, जगत मिथ्या होने के कारण अनिर्वचनीय और ब्रह्म सत्य होने के कारण अनिर्वचनीय। अब सवाल यह आया, ये प्रेमी महाराज, ये प्रेम की अनिर्वचनीयता क्या है? देखो कितना आनंद है, क्या आनंद है, समझ में नहीं आ रहा। समझ में आएगा तो प्रेम नष्ट हो जाएगा, समझ में मत लाओ। समझदार लोगों में प्रेम नहीं होता। देखो एक बार एक लड़का, उसने ग्रेजुएशन किया, बोले स्वामी जी मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। मतलब काहे को पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, सीधा पैसे कमाने में लग जाओ, महत्व की बॉटम लाइन यही है, पैसे कमाओ पहले। बोले नहीं 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 स्वामी जी, यही तो उम्र है, मुझे पढ़ना है। हमने कहा तुम्हारे सत्यानाश का समय नजदीक आ रहा है, इसलिए तुम पढ़ रहे हो, पढ़ो। उसने एमएससी करी, बीएससी था, सीधा पैसे कमाने में लग जाता तो भला होता ना, छोड़ दिया, एमएससी किया। एमएससी करने के बाद ना ना घर का ना घाट का, पीएचडी के सिवा एमएससी की क्या वैल्यू है? और जो जो पीएचडी करते हैं वो बेकार होते हैं। देखो पीएचडी करके आज एक भी व्यक्ति ने अपना या देश का भला नहीं किया है, जितनी पीएचडी है वो सब बेकार है। वहां जाने के बाद अपने को पढ़े लिखे समझते तो है, लेकिन होते कुछ नहीं। वो उनको अपने को मालूम है। इसलिए यहां ये जो अनिर्वचनीयत्व है, ये क्या है, समझो मत इसको, इस प्रेम में रहो। तो ये प्रेम की अनिर्वचनीयता बड़ी सुंदर है। कैसी सुंदर है? जगत जैसा असत है, सुषुप्ति में जगत की उपलब्धि नहीं होती, तो जगत जैसा असत है वैसा प्रेम कभी असत नहीं होता। प्रेम सत है, सत्य स्वरूप है, इसीलिए जगत के जैसा अनिर्वचनीय नहीं है। उसके बाद ये ब्रह्म के जैसा भी अनिर्वचनीय नहीं है, क्योंकि ब्रह्म में मन की गति नहीं है, और प्रेम तो मन का एकदम धूम धड़ाका है। और इसीलिए यह जो प्रेम है ये अनिर्वचनीय है। अब अनिर्वचनीयता क्या हो गई प्रेम की? प्रेम की अनिर्वचनीयता ये है कि मन उस परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, परमात्मा मन के द्वारा गृहित
ग्रहण नहीं होते और फिर भी उस प्रयत्न करने में प्यास बढ़ती जाती और एक दिन वो मन ही जो प्रभु को प्राप्त करने के लिए तड़प रहा था उस परमात्मा में मिल जाता है। उसके बाद निर्वचन करने को ना तो प्रेमी रहता है, ना प्रेम रहता है, ना परमात्मा रहते हैं, तीनों एक में समा जाते हैं। और इसीलिए यह जो प्रेम है यह अनिर्वचनीय है। तो इस प्रेम की जो परिभाषा है, अब इस प्रेम को कैसे बतावे, तो इस प्रेम के बारे में अगले सूत्र में बताते हैं, 52वें सूत्र में। मूक आस्वादनवत, आपने कभी गूंगे आदमी से बात करी हो तो देख लेना कैसा मजा आता है। उसको यदि आपने कोई अच्छी मिठाई चीज खाने को दे दो तो वो उस मिठाई की तारीफ कैसे करेगा, ओ ओ ओ ओ ओ, उसको इतने मालूम है। उसको कोई घटिया चीज दे दो खाने के लिए, उसका भी जवाब उसी शब्दों में देगा, क्योंकि इस रसना के द्वारा वो रस स्वाद तो कर रहा है, लेकिन उस रस स्वाद को बोलकर के अभिव्यक्त करने की क्षमता उसी रसना में नहीं है जो हम लोगों में होती है। इसी प्रकार से जिस हृदय में इस प्रेम का रस जागृत हो जाता है, वह हृदय अपने प्रेम को शब्दों में नहीं बांध सकता। यही अनिर्वचनीयत्व है। और यह प्रेम कैसा है, अनिर्वचनीयत्व प्रेम का? कोई ऐसा कहे क्या कि हमेशा तारीफ ही करना? आइए, आपके आने से हमारे मन मंदिर में घंटे बज रहे हैं, आप जब जाएंगे तब बिगुल बजेंगे। दोनों में प्रेम है। ऐसा थोड़ी है कि किसी को अच्छा कहा। एक हमारी अम्मा है दिल्ली में, अब पता नहीं कहाँ है क्या है, बहुत पुरानी बात है, 60s की, अब उसकी वो बच्ची, वो भी अब दादी हो गई होगी शायद। हमको हमेशा याद आता है उसकी ये बात। वो जो छोटी सी लड़की थी उसकी, बहुत प्यारी। हमको भी बच्चों को भिन्न भिन्न नामों से बुलाने की आदत है। उनका नाम जो नॉर्मल नाम होता है वो हम नहीं बुलाते, जैसे राधिका। राधिका को राधिका बुलाने में क्या मजा है, उसको राउडी कहो तो मजा आता है ना। तो उस लड़की का नाम तो मुझे पता नहीं था। जब मैं पहली बार गया उसके पास तो उसकी माँ उसको अपने गोद में लेकर के कस के दबा करके किस कर रही थी और कह रही थी, मेरा बैंगन का भरता। अब जैसा उसने कहा मैंने सुन लिया, उसके बाद मैं हमेशा उसको बैंगन का भरता करता था। अब जब छोटी थी तब तो बात अलग है, जब पढ़ी लिखी कॉलेज में गई और शादी हो गई, और जैसे मैं कहीं से भी जाता तो वो दौड़ के आती, पहले मेरे मुंह पर हाथ रख, स्वामी जी फॉर गॉड सेक। मैंने अपने मां को तो मुंह बंद करवा दिया, अब वो मुझे नहीं कहती। अब देखो, अपने बच्चे को बैंगन का भरता करना, इसमें कौन सा प्रेम है? रसगुल्ला को तो बात अलग है, ठीक है भाई। तो यह जो प्रेम में भाषा का बंधन नहीं है, पहली बात। इसीलिए यह प्रेम मुंह का आस्वादनवत है। दूसरी बात, उसको जाके बड़े प्यार से ऐसा सहराना, बेटा सोनू कितना प्यारा हो, कितनी प्यारी हो, हनी डार्लिंग, व्हेन आई टेल यू हनी ना आई फील यू आर स्टिकी स्टिकी, वो भी प्रेम है। और कई बार होता है ना, पीछे से कोई अपना दोस्त आकर के एक जोर से लगाता है और आपकी पूरी जो पीठ की हड्डी है वो एकदम उसकी समाधि लग जाती,
और उसे कौन है, अरे यार मैं हूं, उसने गाली देकर के कस के मारा, वो भी प्रेम है। देखो माने प्रेम अमुक अमुक है, जैसे शब्दों के द्वारा वर्णित नहीं होता उसी प्रकार से क्रिया के द्वारा भी वर्णित नहीं होता। देखो बड़ा धीरे से लेकर के धीरे से किस करना, और कोई कोई जो जंगली होते हैं वो काटते हैं बच्चों को। देखो तो दोनों प्रेम है, एक डोमेस्टिक दूसरा वाइल्ड, पिछले जन्म का है संस्कार। इसीलिए यह जो प्रेम है मुंह का स्वादनवत, इस प्रकार से ही हो तो प्रेम है, इसके बारे में कोई नियम नहीं है। और यह जो प्रेम है ऐसा ही है, इसलिए इस प्रेम को हम क्रिया में नहीं बांध सकते, शब्दों में नहीं बांध सकते, किसी विधि निषेध में नहीं बांध सकते। देखो यदि आपको गाड़ी चलानी हो तो विधि निषेध है, इधर से जाओगे तो ठीक, उधर से जाओगे तो गलत। प्रेम में ऐसा करो तो ठीक, वैसा करो तो गलत, ऐसा नहीं होता। प्रेम में सब कुछ ठीक है, उसमें गलती का सवाल ही नहीं। इसलिए किसी क्रिया में, किसी शब्द में, किसी प्रकार के आडंबर में प्रेम बंधा, विधि निषेध में प्रेम बंधा नहीं जाता। और फिर ये प्रेम है क्या, तो इसलिए इसे बताते हैं। ये प्रेम की विशेषता ये है, इस प्रेम में जिसका जिसके प्रति प्रेम होता है वह वस्तु भोग्य नहीं होती। देखो जैसा हमारा किसी के प्रति प्रेम है तो हम उस वस्तु को या व्यक्ति को अपने गले लगावे, किस करे, लेकिन उसमें भोग वृत्ति का निर्माण नहीं होता। तो जिस अनुभूति में, जिस व्यवहार में, जिन शब्दों में भोग की वृत्ति निर्माण नहीं होती उसको कहते हैं प्रेम। इसलिए यह जो प्रेम है, यह प्रेम बाहर के वस्तु के द्वारा जागृत नहीं होता, यह प्रेम अपने हृदय की वस्तु है। और इस हृदय में रहने वाले इस प्रेम को जब प्राकट्य होता है तो इसका रूप कैसा भी हो सकेगा। इसलिए यह जो प्रेम है मुंह का आस्वादनवत, इसमें विवेक का काम नहीं करता। जैसे वेदांत में कहो तो सत का विवेक, सत असत विवेक, सांख्य में कहो तो चित अचित विवेक, लेकिन आनंद में कोई विवेक नहीं होता, आनंद ही होता है। देखो इसीलिए यह जो प्रेम का रूप है अनिर्वचनीय मुंह का आस्वादनवत, जैसे गूंगा अनुभव तो करता है लेकिन उसके बारे में बोल नहीं सकता, क्रिया में वो बांधा नहीं जाता। अब ऐसा जो प्रेम है, इस प्रेम की उपलब्धि कहां होती है, तो अगले सूत्र में कहते हैं प्रकाशते क्वापि पात्रे। यह जो प्रेम है ये सभी के हृदय में नहीं प्रकट होता, ध्यान से सुनना भैया। इस प्रेम में और काम में, क्योंकि श्याम और काम ये दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार है, श्याम है बाप, काम है पुत्र, दोनों एक जैसे दिखते हैं, और दोनों में इतना कम अंतर है कि कब यह श्याम है और कब यह काम है ये भेद मालूम नहीं होता। इसीलिए हम कई बार ये समझ में नहीं पाते कि हमारे हृदय में जो जागृत हो गया है वह काम है कि प्रेम है। ध्यान से सुनना, बहुत महत्व का विषय है। देखो जो प्रेम है ना, उस प्रेम में कभी भी भोग के बाद जो इनफनेस आता है वो नहीं आता।
प्रेम हमेशा बढ़ेगा, कम कभी नहीं होगा। इसीलिए पहला जो लक्षण है कि यदि हम किसी से जो प्रेम कर रहे हैं वह शुद्ध प्रेम की अभिव्यक्ति है कि काम की अभिव्यक्ति है, इसका निर्णय हम ही स्वयं कर सकते हैं। कैसा? यदि उस प्रेम के द्वारा मन में किसी प्रकार की ग्लानि, किसी प्रकार के संदेह, किसी प्रकार का अभिमान, किसी प्रकार का राग द्वेष, किसी प्रकार का अपना परायापन ये जागृत हो गया तो वो प्रेम नहीं था, वह या तो आसक्ति थी या तो काम था। एक उदाहरण बताऊं आपको मैं। एक हमारी बड़ी प्यारी अम्मा है, एक बार किसी ने कुछ कह दिया, कहने के बाद हमारे पास आई बहुत गुस्से में, स्वामी जी वो ऐसे है, वो ऐसे करती, ये करती है। मैंने उसको उनको डांट दिया, मैंने बिल्कुल, पहले तो मैं उनका आदर करती थी, अब तो मैंने उनको सुना दी जली कटी। तो मैं चुप रहा, बोले स्वामी जी मैंने ठीक किया कि नहीं? हमने कहा अम्मा मुझे पहले ये बताओ, तुम मेरे से प्रेम करती हो क्या? बोले हां स्वामी जी। माने यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो ना, तो उस प्रेम का प्राकट्य कभी कड़वाहट में नहीं होता। देखो, और तुमने जो किसी ने मुझे या मेरे बारे में कुछ अच्छा बुरा कहा, वो सुनने के बाद तुम्हारे मन में लगी आग और तुमने जा करके उसको कड़वा उल्टा सीधा सुना दिया, तो यह जो तुम्हारे मन की प्रतिक्रिया है यह प्रेम नहीं है, तुम्हारे मन में आसक्ति है और इसी के कारण। देखो बिल्कुल पक्का रहना, इसमें हिलना मत कभी, ये बहुत महत्व की बात है। प्रेम की अभिव्यक्ति कभी भी कड़वाहट से नहीं हो सकती। इसीलिए प्रकाशते क्वापि पात्रे। अब यही बात समझ में आ जाए तो हमारा अपने बच्चों के प्रति प्रेम है कि आसक्ति है? अब देखो, यदि हमारा अपने बच्चे के प्रति प्रेम होगा तो बहू के प्रति द्वेष नहीं हो सकता। देखो आपने मां के तीन रूप देखे ना, मां मां के रूप में अच्छी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं। मां अपने जवाई की जो सांस बनती है वो मां से भी अच्छी होती है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा ना, जब ससुराल जाते हो तब। और वही स्त्री जो मां के रूप में बढ़िया है और जवाई के सास के रूप में मां से भी बढ़कर के बढ़िया है, वही स्त्री जब अपने बहू की सास बनती है तो उसकी सांस लेना मुश्किल कर देती है। अब देखो, यह जो प्रेम है, प्रकाशते क्वापि पात्रे, किसी एक हाद अंतकरण में इस शुद्ध प्रेम की ज्योति जागृत होती है। और इसीलिए एक चीज ध्यान में रखना, परिच्छिन्नता को लेकर के जो प्रेम होता है वह आसक्ति है और कामना है, परिपूर्णता को लेकर के जो प्रेम है वह भक्ति है और उसमें सान कामय माना, उसमें कामना की दुर्गंध नहीं होती, जैसा गोपियों के इसमें था। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा है कि जब हम इस प्रभु के मार्ग पर चल पड़ते हैं तो जो भगवान का विग्रह है ना, उस भगवान के विग्रह को पार्थिव विग्रह के रूप में कभी मत देखना, वह चैतन्य विग्रह है। इसी प्रकार से जब हम साधु संतों के दर्शन करते हैं, गुरु के दर्शन करते हैं, तो उनको मनुष्य रूप में यदि हम देखेंगे तो हमारे अंतकरण में उस प्रेम के कारण शुद्ध भावना का निर्माण नहीं होगा। बहुत महत्व की बात है।
इसीलिए प्रकाशते क्वापि पात्रे, जब हमारे प्रेम में ये स्पष्ट ज्ञान है कि हम जिससे प्रेम कर रहे हैं वह साधारण एक मर्त्य मनुष्य मात्र नहीं है, तब जाकर के उस प्रेम में जो पवित्रता का प्राकट्य है पूर्ण रूप से होता है। इसलिए प्रकाशते क्वापि पात्रे, अन्यथा यह प्रेम ही ऐसा है कि जो हमको गड़बड़ कराता है। इसीलिए पहले अपने अंतकरण को शुद्ध करके ही प्रेम करना अच्छा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः, तो जितना अंतकरण शुद्ध होगा उतना हमारे अंतकरण में प्रेम के साथ लगा हुआ जो काम का दाग है धीरे धीरे निकल जाएगा। और जब अंतकरण पूर्ण शुद्ध हो जाएगा तब शुद्ध अंतकरण में शुद्ध प्रेम में काम की पड़छाया भी नहीं होती, देखो। और ऐसा जो शुद्ध प्रेम जिसके हृदय में प्रकट हो गया, समझ लेना प्रभु की उस पर अनंत कृपा हो गई। अन्यथा जैसा कहते हैं शास्त्रों में, पापी सर्वत्र पापम आशंकते, हमारे मन में जो होता है ना वही हम देखते हैं, इस दुनिया में जो है वो थोड़ी देखते हैं। तो प्रकाशते क्वापि पात्रे, अब यह जो अनिर्वचनीय प्रेम जो बहुत कम हृदय में प्रकट होता है, प्रकाशित होता है, क्योंकि वह चिन्मय है, ऐसा जो प्रेम है, यह प्रेम क्या है कैसा है, इसके बारे में अगले सूत्र में 6 विशेषताएं बताते हैं। गुणरहितम्, कामनारहितम्, प्रतिक्षणम् वर्धमानम्, अविच्छिन्नम्, सूक्ष्मतरम्, अनुभवरूपम्। यह जो प्रेम है इसमें ये 6 बातें बताई। देखो, भगवान को भगवान किस लिए कहते हैं मालूम है? भग शब्द का अर्थ 6 गुणों के समूह को भग कहते हैं। ये विष्णु पुराण में आता है श्लोक, महाराज जी ने कोट किया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः और ज्ञान वैराग्य योश्चैव भग इतीरिणा षण्णाम भग इतीरिणा, इन 6 चीजों को भग कहते हैं। और जिसके पास भग है वो भगवान, जैसे टोपी टोपी वाला, पालकी पालकी वाला, लोखंड लोखंड वाला, लकड़ी लकड़ी वाला, उसी प्रकार से जिसके पास ये 6 बातें हैं उसको भगवान कहते हैं। तो यह जो 6 बातें कौन सी है भगवान में होने वाली? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, संपूर्ण ऐश्वर्य। संपूर्ण ऐश्वर्य का तात्पर्य है जिसमें किसी प्रकार का इदम इत्थम भाव नहीं निर्माण हो सकता, इतना ऐसा या तैसा ये नहीं हो सकता, वह संपूर्ण ऐश्वर्य है। उसके बाद ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य, संपूर्ण धर्म जिसमें धर्म अधर्म का तुलनात्मक विवेचन नहीं है, और ऐश्वर्य समग्रस्य यशसहा, जिसमें संपूर्ण यश है, संपूर्ण लक्ष्मी है, संपूर्ण ज्ञान है और संपूर्ण वैराग्य है, इन 6 चीजों का जिसमें पूर्णता से उपलब्धि है उसको भगवान कहते हैं। अब यही 6 चीजें भक्ति में होती है जो भक्त के हृदय में प्रकट होने लग जाती है। तो पहली गुणरहितम्, अब देखो गुणरहितम का तात्पर्य क्या है? गुणरहितम का तात्पर्य है कि यह जो शुद्ध प्रेम है ये 3 गुणों के पकड़ में आने वाला नहीं है। गुणों को लेकर के क्या प्रेम होता है? शारीरिक सौंदर्य को लेकर के, या स्वामी जी ने छोटी से बड़ी सुंदर कहानी
बताई है। मैं एक बार समाचार पत्र में मैंने घटना पढ़ी, यूरोप के एक देश में एक सज्जन एक सुंदर स्त्री पर मोहित होकर के उनके पीछे लग गए। उन्होंने उसे किसी क्लब में देखा था और उससे प्रयत्न पूर्वक परिचय किया था। जब जब मिलते उसके एक एक अंग की विशेषता केशों की दांतों की प्रशंसा करते रहते। तुम्हारे बाल कितने सुंदर है जैसे नारियल की रस्सी हो, तुम्हारे दांत कितने सुंदर है जैसे हाथी के दांत हो, तो कहते था ऐसा। जब वो ऐसा कहने लग गया तो एक दिन वो सुंदरी इतनी हैरान हो गई कि वो उसको अपने साथ घर ले गए। चलो हनी कम टू माई हाउस। अच्छा, उसको कमरे में बैठा दिया और उसको कहती है देखो तुमको मेरे केश इतने सुंदर लगते हैं ना। उसने अपना विग उठा करके उसको दे दिया। तुमको मेरे दांत इतने अच्छे लगते हैं ना, तो वो दांत की पूरी कौड़ी जो निकल दे ले रहे। अब क्यों कर देखो गुणों के कारण होने वाला जो प्रेम है, और गुण क्या है, गुणों में परिवर्तन आता है देखो, और जहां गुणों में परिवर्तन आ गया तो हमारे प्रेम में परिवर्तन आ गया। इसलिए गुण रहितम, यह गुणों पर आधारित नहीं होता। इसीलिए जब कोई व्यक्ति आपको मदद कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, और एक हाथ बार मदद नहीं कर पाया तो पहली अच्छाई खत्म हो गई, तुरंत वो बुरा हो जाता है। यही कारण है पति पत्नी में झगड़े का। बिचारी पत्नी उस पति को प्रसन्न रखने के लिए क्या क्या करती नहीं, सब कुछ करती रहेगी। एक दिन हो गया, दूसरे दिन हो गया, तीसरे दिन हो गया, 100 days कंप्लीटेड ऑफ मैरिज, सक्सेसफुल मैरिज, और 100 days तक के उसके हर चीज को जब आएंगे तब ऐसा करना, तुम वो साड़ी पहनना, तुम ऐसे करना, तुम बाल को कटवा लेना और तुम ऐसे करना, वो बिचारी नाच रही उसके कहने से। और एक दिन ऐसा कुछ हुआ, 101st day, उसने कुछ कहा, उसने कहा कि नहीं अभी नहीं हो सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एकदम पति महाराज गुस्सा करने को तैयार। जितना गुस्सा करने वाले पति होते हैं ना, वो भयानक कायर होते हैं। जिनमें धैर्य होता है, जिनमें शक्ति होती है, वो बीबी पर गुस्सा नहीं निकालते कभी। ये गुण रहितम, गुणों के कारण जो प्रेम है उसमें विकार निश्चित आता है। इसलिए यह जो प्रेम है यह गुण रहितम। अच्छा, इसका दूसरी बात समझ लो गुण रहितम की। गुण रहितम माने क्या? प्रेम वो है कि जिसमें गुण न होते हुए भी दिखते हैं। देखो कितनी सुंदर बात है। कहते हैं लैला दिखने को अत्यंत कुरूप थी, मुझे मालूम नहीं, सुना ही है। तो उसके बाप ने मजनू को बचाने के लिए कहा कि देख भाई, मैंने तुमको सब प्रकार से समझाया, अब असली बात समझाता हूं। क्या तुम जो मेरे लड़की के चक्कर में पड़े हो वो कोई सुंदर होती तो बात समझ में आया है। वो काली कलुटी है, चेहरे पर चेचक के दाग है, सौंदर्य का कहीं नाम नहीं है, और तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? तो उस समय तुरंत मजनू उवाच, मजनू महाराज कहते, लैला के प्रेम का, लैला के सौंदर्य को देखने के लिए मजनू की आंखें जाए। गुण रहितम, अपनी मां नहीं होती, बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है, वो बच्चा बेवकूफी से कुछ भी करता है उसमें बड़ा सौंदर्य लगता है। स्वामी जी मेरा माय सन इज यू नो इज सो इंटेलिजेंट, ही आस्क क्वेश्चंस अबाउट एवरीथिंग एंड आई कांट आंसर। ये जो कहना होता है ना मां का वाक्य, उसमें उसकी तारीफ हो रही है। और एक बार ऐसे एक मां ने अपने बच्चे की मेरे पास तारीफ करना शुरू कर दिया, स्वामी मेरा लड़का जो है ना ऐसा प्रश्न पूछता है जिसके अब उत्तर हमारे पास नहीं, और इसीलिए वो स्कूल में नहीं जाता, अब आप बताइए क्या करें। मैंने क्या करूं बताओ,
तो बोले इसको जब भी कुछ बोलो ना पढ़ाई के लिए कि ए ऐसा लिखते हैं, तो वो प्रश्न पूछेगा ये ऐसा ए क्यों लिखते हैं, इसका तो कोई जवाब है नहीं। वो इतना इंटेलिजेंट है, जब तक उसके प्रश्न का जवाब नहीं मिला आगे नहीं जाएगा, इसीलिए वो पढ़ता है नहीं। तो मैंने बोला मैं इसको पढ़ाऊं, बोले हाँ ट्राई करिए, हम तो हार गए। बोला ठीक है, हम खाना खा के अपने कमरे में बैठे दोपहर के समय में, दरवाजा बंद कर लिया और हमने कहा कि चलो बेटा हम लोग पढ़ेंगे। अब उसके पास ट्रम्प कार्ड वही था, वाई ए इज रिटन लाइक दिस। तो मैंने कहा चलो लिखते हैं ए फॉर एप्पल, लिखो। स्वामी जी, अब वो मां होती तो स्वामी जी कहने के बाद बेटा करके पढ़ाना भूल जाती, लेकिन मैं राम बाबा जी। तो उसने कहा कि स्वामी जी व्हाई ए इज रिटन लाइक दिस। तो मैंने इसको कहा ये हाथ देखा तुमने, ना ये हाथ यदि ए ऐसा नहीं हो तो 2000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आएगा और तुम्हारे चाटे पर कस के बैठेगा, इसीलिए ए ऐसा है। पूछना चाहते हो क्यों ए ऐसा क्यों है? ओके और फिर उसको मैंने उसके बाप का नाम लिखवाया, उसके मां का नाम लिखवाया, उसका नाम लिखवाया, एबीसीडी नहीं पढ़ाया ना उसको, नाम लिखवाए। और हमने कहा जब देखो आप ऐसे हम लोग बाहर जाएंगे ना तो ऐसे दिखाना कि इससे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि तुमको कुछ नहीं आता। और ऐसे ही कागज पेन से लेकर के पहले तुम अपने पिताजी का नाम लिखना, उसके पिताजी का नाम था राम, राम लिखना, और माँ का नाम था पार्वती, तुमने पार्वती पी ए आर वी ए पार्वती, और फिर तुम्हारा नाम लिखना अशोक, और फिर देखो कैसा मजा आता है। और जैसे उसको उसमें मजा आने लग गया, वो सीखने में लग गया, तो फिर मैंने उसको मां को कहा कि मां कैसे सीख गया ये? साजी पता नहीं आपसे कैसा सीखा। हमने कहा तुम्हारा प्रेम नहीं था उसके प्रति, तुम्हारी आसक्ति थी और वो गुण ही गुण देखती थी दुर्गुणों में। देखो गुण रहितम, तो यह जो प्रेम है इसमें गुणों के द्वारा बंधन नहीं आता। अच्छा दूसरी बात, कामना रहितम, शुद्ध प्रेम में कामना नहीं होती। अब देखो कामना का अर्थ समझ लो, कामना का अर्थ यह है, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, कामना का अर्थ यह है जिस अनुभूति में भोग की प्रधानता होती है वहां कामना की पूर्ति होती है। देखो जैसे हम लोग होटल में जाके खाते हैं, या हम लोग कोई बढ़िया बढ़िया वस्तु बना के खाते हैं और अच्छा लगा तो और खाएंगे और अच्छा नहीं लगा तो दूर रखेंगे, तो वो हो गया खाने के साथ भोग। और अब खाना खा के आए, अब बिल्कुल इच्छा नहीं खाने के कुछ नहीं, लेकिन अभी नहीं खाएंगे कुछ नहीं, देखिए देखो हम अभी गए थे वैष्णो देवी, उसके बाद वहां से हम प्रसाद लाए, अच्छी बात, थोड़ा सा प्रसाद लेके खा लेंगे। अब उस प्रसाद को खाने में भोग बुद्धि नहीं होती, उसमें योग बुद्धि होती है। तो जिस अनुभूति में भोग की नहीं बल्कि ऐसे मिलन की पराकाष्ठा है कि जिसमें अपने आप को मिटा देना है, उसको कहते हैं कामना रहितम प्रेम। उस प्रेम में इस काम की दुर्गंध कहीं नहीं होती, कामना रहितम। और जहां काम की दुर्गंध नहीं होगी वहां आपके मन पर कोई संस्कार निर्माण नहीं होगे। इसको ठीक से समझ लेना। जो हमने आपको उदाहरण दिया अग्नि का, हाथ जलने का, तो हम जब अग्नि को स्पर्श करके हाथ जलता है तो उस अग्नि के प्रति हमारे मन में राग द्वेष निर्माण नहीं होता, क्योंकि हमने उससे सीखा है। इसी प्रकार से जिस रिश्ते में किसी प्रकार की ग्लानि या अभिमान, राग या द्वेष की निर्मिति नहीं होती, वह कामना रहित प्रेम होता है।
अन्यथा जो भोगात्मक प्रेम है उसमें कुछ समय के बाद एकदम कालुष्य प्रतीत होने लग जाता है। तो कामनारहितम, यहां बड़ी सुंदर बात लिखती है स्वामी जी, आप इस कमेंट्री को जरूर पढ़ना, घर जाकर के इसका अध्ययन करना, इसको नित्य अपने जीवन में पढ़ाने में रखना रोज। अत्यंत सूक्ष्मता से विस्तार से स्वामी जी ने लिखा है इसमें, तत्पदार्थ में तो गुण नहीं देखना और त्वम पदार्थ में कामना नहीं करना। देखो तत्पदार्थ माने परमात्मा, परमात्मा में कोई गुण नहीं होते, वो गुणातीत है। और त्वम पदार्थ जो है मैं, इस मैं में यदि कामना नहीं हुई तब जाकर के तत्त्वम का एकत्व सिद्ध हो जाता है और वही परमात्मा के प्रेम का पराकाष्ठा का रूप है। उसके बाद जैसे जगत के वस्तु होते हैं, धन दौलत होती है, उसमें जो प्रेम है वो एकांगी होता है, दूर तरफ से नहीं होता। जो प्रेम एकांगी होता है उसको प्रेम नहीं कहते। देखो जैसे एक बार आया था, राजगृह भोजनादिशु तथा एव दृष्टत्वात्, समझो हम ही कहे कि हम तो प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं तो उससे कुछ नहीं होगा, वो आपको जानते हैं क्या, हाँ तो ठीक है। इसी प्रकार से हम कहे हमारा तो प्रेम है लेकिन उसका प्रेम है कि आपके प्रति नहीं, तो आपका प्रेम जो एकांगी है वह प्रेम नहीं है, वो अपने आप को दूसरे पर लादने का प्रकार है। इसलिए गुण रहितम, इसमें किसी प्रकार की भोग की संभावना नहीं, एकांगीपन नहीं है। उसके पश्चात कामना रहितम आ गया, कामना रहितम की बात पहले भी बताई थी, सान कामयमाना। गोपियों के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न मैया वेशित धियाम कामहा कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेप्यते। बहुत सुंदर श्लोक है, कहते हैं जिसकी बुद्धि मुझ में लगी है उस बुद्धि में कामना का जन्म नहीं होता, जैसे भुने हुए जो बीज है उसमें हमारे क्षुधा शांति की तो क्षमता होती है लेकिन भुने हुए बीजों से दूसरे पौधे निर्माण नहीं होते। भगवान के प्रति जो प्रेम है उसमें कामना की दुर्गंध नहीं होती, क्योंकि कामना फिर और बढ़ती जाती है, इसमें बढ़ना घटना नहीं है। इसलिए यह दूसरा लक्षण, तीसरा कहते हैं प्रतिक्षणम वर्धमानम। यह जो प्रेम है, शुद्ध प्रेम जो है, इस प्रेम में विशेषता यह है कि प्रतिक्षणम वर्धमानम, जितना जितना आप समझो भगवान का नाम लेना शुरू करो। हमने आपको बताया था ना, एक अम्मा जो लिख रही थी उसको हमने डांट के लिखाने में लगा दिया, सिर्फ शुरू करो लिखना श्री राम जय राम जय जय राम, पहले वो कभी नहीं लिखती थी, अब उसको इसमें इतना रस आने लग गया, इतना रस आने लग गया है, अब उसको दूसरा कोई सूझता ही नहीं। प्रतिक्षणम वर्धमानम, जब हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है तो वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। देखो एक बार हम किसी के घर में गए थे और कैलेंडर देख रहे थे, टाइम था खाने के लिए, कैलेंडर देख रहे थे, तो कैलेंडर में जो हर एक दिन का जो होता है बक्सा, उसमें इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है, तिथि है कि चंद्रोदय है कि शिवरात्रि है कि अष्टमी है, सब कुछ लिखा है। उसके साथ साथ पेंसिल से भी कुछ लिखा हुआ था, तो फिर हमने वो पेंसिल का पढ़ना शुरू किया तो उसमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, कभी 8 कभी 2 कभी 12 कभी 6, माने उसमें कोई ऐसी ना तो सीक्वेंस था ना तो कोई समझ में नहीं आ रहा था। मैं आई वॉज जस्ट थिंकिंग क्या हो सकता है। तो उतने में उस घर के जो महात्मा जो थे आदमी, वो आए, बोले स्वामी जी आप क्या देख रहे। मैंने कहा कि मैं ये नवीनतम कैलेंडर देख रहा हूं कि इस कैलेंडर पर छपा हुआ है और कुछ हाथ से लिखा है पेंसिल से, लेकिन पेंसिल से जो लिखा है इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं 6 लिखा है, कभी 8 लिखा है, कभी 12 लिखा है, कभी 25 लिखा है, कभी 2 लिखा है, एक जगह लिखा था माफ करना, ये क्या है।
तो फिर वो हंसने लगे, बोले स्वामी जी ये मेरी बीबी है ना, ये रोज अपने भगवान के नाम लेने का हिसाब रखती है, ऐसे कभी भगवान का नाम लिया जाता है लेकिन वो मानती नहीं, और आप तो जानते हैं लेडीज से बात करना बेकार होता है। तो उसकी पत्नी बिचारी सुन रही थी, बड़ी भोली भाली पवित्र शुद्ध अंतकरण की। तो हमने कहा प्रभु आपको तो आपको जो कहना था कह दिया आपने, हमने कहा मालूम है आपकी पत्नी क्या कर रही है, हमारे मन में भगवान के नाम लेने की लालसा जब बढ़ जाती है ना तब आदमी हिसाब रखने लग जाता है। देखो जब आदमी को दो दो चार चार पैसे मिलते हैं, दो रुपये मिल गए, चार रुपये मिल गए, चार बार खोल करके देखेगा अभी चार रुपये हो गए, इसका ये करेंगे, इसके दो रुपये के चने लाएंगे उसको बेचेंगे तो कल तक इसके सात रुपये हो जाएंगे, एक दस दस बार वही दस दस पांच पांच रुपये गिनते रहता है वो। क्यों? कि मन में उसके और लोभ की इच्छा है। इसी प्रकार से जो भगवान का नाम लेकर के उसका हिसाब रखता है ना, उसके मन में भगवान के नाम को और बढ़ाने की लोभ की इच्छा है, और यही प्रतिक्षणम वर्धमानम, यही प्रेम का लक्षण है। जब हमने ऐसा कहा तो अम्मा सुन रही थी आकर के एकदम हमसे लिपट गई, कहती स्वामी जी अब इतनी सारी बातें मैं इनको कैसे समझाऊं, और मुझे समझाना भी नहीं आती, और बोले इन्होंने तो निर्णय ले लिया है कि दुनिया में यदि सबसे बेवकूफ कोई है तो मैं ही हूं, अब इनको समझाऊं कि मैं बेवकूफ नहीं हूं। तो पति को देखा मैंने तो पति का चेहरा लटक रहा था, अब मुझे तो दोनों को संभालना है। मैंने कहा नहीं भाई, वो जो कहते ना कि तुम बेवकूफ हो अम्मा तुम तो हो ही, एकदम बेवकूफ तुम तो हो ही। बोले कैसे? हमने जब तुमने इससे शादी करी तो समझदारी से करती क्या? तो प्रत्येक पत्नी को जो पति बेवकूफ कहता है ना, इसका कारण यही है कि उस पति को लगता है कि ये जब तक बेवकूफ नहीं होती मेरे जैसे से कोई शादी कर ही नहीं सकता, इसीलिए प्रत्येक पति को अपनी पत्नी बेवकूफ लगती है। सिद्धांत प्रस्थापित हो गया, प्रतिक्षणम वर्धमानम, जो प्रेम है ये क्षण क्षण पर बढ़ता है, इसमें घटता नहीं। अच्छा आगे इसमें उन्होंने बहुत सारे सुंदर सुंदर प्रसंग दिए हैं भागवत की कथा को लेकर के, उन्होंने कहा है आगे कहते हैं अविच्छिन्नम, प्रतिक्षणम वर्धमानम अविच्छिन्नम, अविच्छिन्नम माने ये प्रेम कभी टूट टूट करके नहीं होता, सोमवार से शुक्रवार तक प्रेम नहीं, ओके शनिवार रविवार प्रेम करेंगे, यह जो प्रेम है ये अखंड अनुभूति है, और इसीलिए अविच्छिन्न अविच्छिन्नम, इसमें किसी प्रकार का खंड नहीं होता। छिन ही बढ़े छिन ही उतरे, सो तो प्रेम न होय, अघट प्रेम पंजर बसई, प्रेम कहा वैसोय। थोड़ी देर में बढ़ा थोड़ी देर में कम हुआ उसको प्रेम थोड़ी कहते हैं, प्रेम तो असली वो है जो ना तो कभी बढ़ता है ना तो कभी घटता है, इसीलिए अखंड है यह अखंड प्रेम, जिसके हृदय में जागृत हो गया, बाहर के लाभ हानि के द्वारा ऐसा कभी भी प्रेम प्रभावित नहीं होता। हमारी मीराबाई की जो वचन है मैं इसको ढूंढ रहा था, इसमें भी मिल गए। देखो अखंड प्रेम कैसा है, कहते हैं मीराबाई ऐसे वर को के वरों, ऐसे वर के साथ मैं क्या शादी करूं, ऐसे वर को के वरों जो जन्मे और मर जाए, वर वरीय गोपाल जू मारो चुड़लो अमर भय जाए। देखो अखंड प्रेम तब हो सकता है कि जब आप अनंत के साथ जुड़े हैं, खंड के साथ यदि जुड़े हैं आप तो आपके प्रेम में अखंडता नहीं आ सकती, इसलिए यह जो अविच्छिन्न है। देखो
जागृत अवस्था के वस्तु व्यक्तियों के साथ हमारा प्रेम केवल जागृत अवस्था में ही रहता है। स्वप्न में जो हमारा प्रेम होता है किसी वस्तु व्यक्ति के साथ वो स्वप्न में ही रहता है। उसी प्रकार से यह जो प्रेम यदि अवस्था के अनुसार रहे तो उसमें खंड आएगी, क्योंकि परमात्मा अमृत स्वरूप है, भक्ति अमृत स्वरूप है, तो इसमें किसी प्रकार का खंड नहीं आ सकता और इसलिए यह अखंड है, अविच्छिन्न रूपम। और आगे कहते सूक्ष्मतरम। सूक्ष्मतरम का तात्पर्य है यह प्रेम अत्यंत सूक्ष्म है। अब देखो ये प्रेम की सूक्ष्मता समझ लो। प्रेम की सूक्ष्मता यह है कि जिस प्रेम में किसी प्रकार के कोई कार्य कारण मीमांसा नहीं होती वह शुद्ध प्रेम है, और ऐसा प्रेम ना किसी का कंपटीशन करता है, ना किसी को नीचा दिखाने का प्रयत्न है, ना किसी से श्रेष्ठ एस्टैब्लिश करने का प्रयत्न है। अब हम इसके बारे में आपको बात बताएं। महात्माओं से प्रेम करने वाले बहुत लोग होते हैं। अब उन प्रेमियों में देखो कैसा व्यवहार होता है। हर एक ये प्रयत्न करता है प्रूव करने का कि मैं महात्मा से तुमसे ज्यादा प्रेम करता हूं या करती हूं, और उसमें इन प्रेमियों में ऐसे झगड़े चलते हैं, और दो सबका कहना यही है कि मेरा प्रेम सबसे श्रेष्ठ है। हमको याद है एक बार की बात, हम कहीं गए और एक बूढ़ी अम्मा ने, उनके यहां पहले बार कोई बाबा जी गए थे, जिंदगी में कभी कोई नहीं गए थे, तो वो इतनी माने एक्साइट हो गई थी, तो उसने 27-28 व्यंजन बनाए, 7-8 तो मिठाइयां बनाई। तो उसके जो बच्चे थे, बहू थे, कह रहे थे कि देखो तुमको कितने बार बताया अम्मा, स्वामी जी ये नहीं खाते वो नहीं खाते, तुम क्यों इतने परेशान हो रही। बोले आपको क्या करना है, मैं कर रही हूं ना, मैं बनाऊं। पहले ये हुआ था मुझे, मैं नहीं था उस समय। और जैसे उनके हमने घर में प्रवेश किया, उस अम्मा को देखा, छोटी सी थी, एकदम खूब आके कस के गले लगी, अम्मा थाली लाओ पहले। तो मैंने थाली ली और जितने व्यंजन बनाए थे, मैं दूध नहीं खाता, मैं मिठाई नहीं खाता, सबका सब मैंने एक एक व्यंजन को लेके मजे से डट के खाया। तो जब मैं खा रहा था तो एक ज्ञानी थे साथ में, स्वामी जी ये दूध का बना हुआ है। उन्होंने बोला हाँ बना हुआ है, तो आप क्यों खा रहे हैं। तो हमने कहा तुम्हारे बाप का है क्या। मैं खाऊंगा। उस दिन तो हमने आपके लिए लाया, आपने नहीं खाया। हमने कहा वो तुम्हारे बाप का था। और फिर उसके जितने लड़के बहुएं थी वो देख रही है, अने एक एक चीज को मैंने खाया, उसको भी खिलाया। तो उसके बाद जब सब कुछ हो गया तो वो अम्मा इतनी मस्त विभोर हो गई थी। तो यह जो प्रेम का स्वरूप होता है ना, इसमें किसी भी प्रकार के स्थूलता का भाव नहीं होता, क्योंकि यह प्रेम की वस्तु अत्यंत सूक्ष्म है। जहां प्रेम की सूक्ष्मता की पराकाष्ठा पर आप पहुंच चुकते हो ना, वहां आप किसी के भी हृदय को स्पर्श कर सकते हो। देखो यदि आप प्रेम की सूक्ष्मता पर नहीं पहुंचोगे तो आप किसी के हृदय को स्पर्श नहीं कर सकते। जैसे कल हम गए थे अहमदाबाद, वहां लेक्चर था हमारा, एक लेक्चर देके वापस अब आ गए आपकी सेवा में। तो वहां बड़ा विस्तार से था जो भी विषय था, और अहमदाबाद में जो होता है तो बहुत भीड़ होती है वहां, 2-4 हजार लोग आ जाते हैं, सब जगह फैला करके नेटवर्क लगा देते हैं। तो वहां आखिरी में मैंने एक छोटी सी कहानी बताई कि एक सज्जन ने हमको पूछा कि एयरपोर्ट पर, स्वामी जी वेयर इज योर आश्रम, वेयर डू यू स्टे, क्या आप रहते कहां, आपका आश्रम कहां है। तो मैंने उस सज्जन को बुलाया, इधर आओ मेरे पास। आगे आने के बाद मैंने अपनी उंगली ली और उसके हृदय पर रखी, मैंने बोला कि मैं यहां रहता हूं।
जैसा मैंने उसको ऐसा कहा कि मैं यहां रहता हूं, वो एयरपोर्ट पर वो रिक्लेम बैगेज के वहां वही वो रोना धोना शुरू कर, स्वामी हमने कहा देखो आई हैव ओनली टच योर हार्ट, आई हैव नॉट ओपन योर हार्ट, डोंट क्राई। ये तब हो सकता है कि जब हमारे प्रेम में सूक्ष्मता की पराकाष्ठा पहुंच चुकती है, अन्यथा 25 बार लिख के देना हनी आई लव यू, हनी आई लव यू, व्हाई डोंट यू मेक ए स्टैम्प, कागज और स्टैम्प साथ में रखना, तारीख भी बदल देना उसे, जैसे आया हनी ठक। तो ये जो मैकेनिकल प्रेम है उसमें सूक्ष्मता नहीं होती। और देखो जो शुद्ध और सूक्ष्म प्रेम होता है ना, उसमें किसी भी प्रकार के प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। वेन एवर वी वॉन्ट टू प्रूव अवर लव, इट इज नॉट लव। इसलिए अंतिम जाकर के कहते हैं यह जो प्रेम है, यह प्रेम अनुभव स्वरूप है, इसको केवल अनुभूत ही किया जा सकता है। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। प्रेम का जो आनंद है, प्रेम का जो दर्द है, यह जो इस प्रेम को प्राप्त कर चुका है उसी को प्राप्त होता है, बाकी को नहीं। इसीलिए प्रेम कभी भी वृत्ति का विषय नहीं बन सकता। अब आखिरी बात इसमें सुनाएंगे हम आपको, जैसे हम वहां पहुंचे तो एक फोन आया, तो हमारे होस्ट ने कहा स्वामी जी ये अम्मा 3 बार फोन कर चुकी है, अमुक अमुक है। मैंने लाओ, मैं खाना खा रहा था, क्या है भाई? मैंने स्वामी जी आपने कल के लेक्चर में कहा था, वो टीवी में देखा होगा, मुझे क्या मालूम कल क्या बोला किसने, आपने कल के लेक्चर, लोगों को लगता है कि मैं रोज आकर के वहां बैठ के बोल के फिर आ जाता हूं यहां, तो आपने कल के लेक्चर में कहा था कि आपको किसी ने कुछ बातें सुनाई, तो आपने कहा कि आप तो स्मृतियां सुना रहे हो और हमने तो अनुभव की बात करी थी, और वो कट गया। अब मैं परेशान, क्या है अनुभव की बात और स्मृति की बात, और फिर आज मैं फिर से सुनना शुरू किया, लेकिन उन्होंने ठीक से नहीं जोड़ा और मुझे समझ भी नहीं आया, और आप यहां आ गए, अब मुझे बताओ ये स्मृति और अनुभव में क्या फर्क है। देखो स्मृति जो होती है ना वो भूतकालिक होती है और वह वृत्ति का विषय है। जिस व्यक्ति के जीवन में स्मृतियों का प्राधान्य रहता है वह व्यक्ति एक मानसिक स्तर पर जीता है, उसी चीज उसी को कहते हैं ईगो। जब हम छोटे थे तब ऐसा होता था, जब हमारे यहां ऐसा होता था हम ऐसा होता था, जब हम अपने गांव में रहते थे तो स्वयं जाकर के गाय का दूध दो के पीते थे, और पता नहीं यहां अमेरिका में डिब्बी में दूध आता है, हो पता नहीं डिब्बी का दूध कैसे आता है। हर चीज को लेकर के भूतकाल की स्मृति को लाना, उससे क्या होता है, उससे यह होता है कि हम वर्तमान में नहीं रहते। ध्यान से सुनना, अनुभव हमेशा केवल वर्तमान में ही होता है, और जितना आप ज्यादा समय तक वर्तमान में रहोगे उतने आप अनुभव स्वरूप है। अनुभव किसको कहते हैं, परमात्मा को। देखो जो परमात्मा है अनुमाने अखंड, प्रत्येक अस्तित्व के पीछे रह करके जो हरेक को अस्तित्व प्रदान करता है उसको कहते हैं अनुभव। जैसे अच्छा अनुभव आया चला गया, बुरा आया चला गया, लेकिन ये सभी अनुभवों के पीछे एक जो अखंडता है उसको कहते हैं अनुभव। इसीलिए अनुभव स्वरूपम, यह जो प्रेम है, ध्यान से सुनना, जो इस प्रेम में डूबे हुए हैं वो भूत भविष्य में नहीं भटकते,
उनका निवास नित्य निरंतर इसी वर्तमान में एकदम दृढ़ता से रहता है। इसीलिए अनुभव स्वरूपम, यह जो प्रेम है इसको समझाने से, बुझाने से, बताने से, सिखाने से, कॉलेज में जाने से, पुस्तकें पढ़ने से नहीं आता। यह प्रेम अपने हृदय में तब जागृत हो जाता है कि जितना जितना हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, सान कामयमाना निरोध रूपत्वाद निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासा, ये सब धीरे 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 हर चीज जब जीवन में होने लगेगी तब ये प्रेम जागृत होगा। और इस प्रेम में आने के पश्चात जीवन में निर्भयता आ जाती है और किसी प्रकार से किसी वस्तु व्यक्ति पर अपना अधिकार नहीं रहता, सबके प्रति समर्पित होकर ही व्यक्ति का जीवन चल सकता है। इसलिए यह जो प्रेम है अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, तो उसके 6 लक्षण बताए। और यह जो प्रेम है इस प्रेम की और सूक्ष्मता क्या है ये बताने के लिए 55वें सूत्र में बताते हैं, तत्प्राप्य तदेव अवलोकयति तदेव शृणोति तदेव भाषयति तदेव चिंतयति। इन 4 चीजों में हमारा मन लगता है। कौन सी? किसी को देखना, उसी के बारे में सुनना, उसी के बारे में बोलना और उसी के बारे में चिंतन करना, 4 बातें। ये 4 बातें जब दुनिया के बारे में होती है तब हम संसारी हैं, और यही 4 बातें जब प्रभु के बारे में होते हैं तब हम प्रेम की अद्वैत स्थिति की तरफ मार्गसर हो रहे हैं। इसीलिए पहली बात तद प्राप्य तद एव अवलोकयति, जहां देखे वहां वही परमात्मा नजर आते। जो गोपियों के अनेक सुंदर सुंदर प्रसंग संत महात्माओं ने लिखे हैं भागवत के और अन्य ग्रंथों के आधार पर, उसमें एक प्रसंग आता है जिसमें उद्धव जी और गोपियों का संवाद है। तो जब जाते हैं उद्धव जी वृंदावन में तो गोपी को बताना शुरू करते हैं, देखो यहां से कृष्ण चले गए हैं इसीलिए तुम उदास होकर के रहती हो, तो इसीलिए तुम सभी वस्तुओं का त्याग करके, परिग्रह का त्याग करके, एकदम एक आसन में बैठ करके, आसन प्राणायाम करके, एकदम अपने मन को प्रभु के आकार में कर दो। तो गोपी उनकी तरफ देखती है और आगे चल पड़ती। फिर उद्धव जी दूसरे गोपी को मिलते हैं, कहते हैं कि देखो तुम ऐसा करो, अपने मुख में हमेशा भगवान का नाम लिया करो, तब तुम्हारा मन भगवान में लगेगा। तो वो भी गोपी चली जाती है, बोलती रही। तीसरी गोपी दिखती है तो उसको कहती, देखो तुम अपने मन को तदेव चिंतयति, मन को इस ब्रह्म में मिलाओ, ब्रह्म सर्वव्यापी है, सर्व देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में अभी उपलब्ध है। कृष्ण चला गया तो क्या हो गया, ब्रह्म तो हर जगह है और वही कृष्ण का रूप है, इसीलिए ब्रह्म को पकड़ो, कृष्ण को छोड़ो। तो गोपी कहते हैं कि उद्धव मनना ही 10-20, एक जो था वो कृष्ण के साथ चला गया, अब ब्रह्म के लिए दूसरा मन कहां से लाऊं। 5वीं गोपी को उद्धव जी कहते हैं, देखो गोपी तुम इतनी जो भगवान के विरह में तरस रही हो, तो वो गोपी उनको आगे बोलने नहीं देती, तुमको किसने कहा कि मुझे विरह हो रहा है? विरह तो उसको होता है ना कि जिसने स्वीकार किया कि वो चले गए, वो तो मेरे हृदय में विराजमान है, विरह तुमको होगा मुझे नहीं होगा, भाग्यास। देखो तदेव अवलोकयति तदेव शृणोति तदेव भाषयति तदेव चिंतयति, उनके संपूर्ण जीवन में प्रत्येक कार्यकलाप में केवल परमात्मा मात्र। जैसे सर्वम धनमयम लुब्धा कामुका कामिनीमयम नारायणमयम धीरा पश्यन्ति परमार्थतः। इसी श्लोक को लेकर के तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस के अंत में, काम ही नारी प्यारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमी दाम।
यहां भी वही विचार है, जैसे लोभी व्यक्ति को हर जगह में पैसा ही नजर आता है और कामुक व्यक्ति को हर जगह में कामना ही नजर आती है, उसी प्रकार से धीराहा जो समझदार है, जिनका मन प्रभु में लगा है वही समझदार है, उनको सब जगह केवल नारायणमयम धीराहा पश्यन्ति परमार्थतः। इसलिए सबसे महत्व की बात एक ही है भैया, अपने हृदय को संभालो सुधारो, उसमें केवल प्रभु का ही प्रतिष्ठा करनी है। ध्यान से सुनना, कई लोगों का यह जो भक्ति का भाव इत्यादि होता है ना, बड़ा विकृत होता है। कैसे विकृत होता है? मंदिर में जाएंगे तो बड़े घंटे बजाएंगे और बड़े पूजा करेंगे और ये साष्टांग दंड और बड़े जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके भजन कीर्तन करेंगे, लेकिन अपने ही लोगों के साथ व्यवहार करते समय ऐसे रहते हैं कि कोई उनको नहीं चाहता अपने अगल बगल में। इसलिए एक समझ लेना, जिसके कारण किसी को भी उद्वेग हो जाता है, उसके कारण प्रेम जागृत नहीं हुआ, केवल जहर मात्र है। इसलिए श्लोक को हजार बार पढ़ना, यस्मान्नोद्विजते लोका लोकान्नोद्विजते च यहां। हमारे कारण यदि किसी को विक्षेप होता है तो हम वहां से हट जाएं, कोई जरूरत नहीं। इसी प्रकार से हमको किसी से विक्षेप नहीं होना है, अपने आप को संभाल के रखना है। तो यस्मिन सुरक्षिते सर्वम सुरक्षितम स्यात्, ये जो अपना हृदय है उसको शुद्ध और पवित्र रखना है, तब जाकर के हर जगह में, हर काल में, हर वस्तु में, हर विषय में केवल उसी परमात्मा का चिंतन चलता रहेगा। और जितना ये भगवान का चिंतन चलता रहेगा, उतना हम उसी भगवान के बारे में ही बोलेंगे, नहीं तो फिर वो दुनिया भर की बातें शुरू हो जाती है। इसीलिए ये पोल्ट्री फार्म जो मैं कहता हूं ना, वो यही होता है, जहां पोल्ट्री फार्म के लोग आ गए बस उसी की बात शुरू हो जाती है, काव 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 काव। उससे तो अच्छा है कि शांत रहो। अब यह जो भक्ति है, इस भक्ति के भिन्न भेद इसके आगे बताते हैं कि भक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होती है और इसके क्या क्या भेद है, मुख्य भक्ति कौन सी है और गौण भक्ति कौन सी है, ये सब बातें इसमें हमको बताएंगे। इसको हम अगली क्लास में लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।